पिछले सप्ताह हम ज्ञान के विषय में 29 अध्याय के 25 पद से देखना शुरू किए थे, उसको दोबारा पढ़िए। मनुष्य का भय एक फंदा ले आता है, परंतु जो कोई यहोवा में भरोसा रखता है वह सुरक्षित रहेगा। जो भी यहोवा में भरोसा रखता है वो सुरक्षित रहेगा। हमने इस बात को पिछली बार देख रहे थे कि मनुष्यों के प्रति हमारे मन में एक डर या भय किस कारण से होता। पहली बात हमने देखे थे कि हमारे पहचान जो उनके सामने या इस संसार में इस समुदाय में है, उस पहचान को खो जाने का डर है। क्योंकि यदि सत्यता में हम अपने आप को चला के आए हैं तो हमारे पहचान के विषय में हमें इतना डर नहीं होगा। एक बात आपको ध्यान में रखना, जब पहचान कहते हैं ये गवाही नहीं है, ये दोनों अलग है। आइडेंटिटी अंग्रेजी में जो बोलते हैं उसको मैंने पहचान करके हिंदी में शब्द दिया, क्योंकि मैं हिंदी भाषा का सीखा हुआ व्यक्ति भी नहीं हूँ, निपुण भी नहीं हूँ। और दूसरा है विटनेस और टेस्टिमनी, गवाही। गवाही को लोगों के सामने खोने का डर तो होता है, क्योंकि वो गवाही जो है मसीह से संबंधित है, हमारे मसीह जीवन से संबंधित, हमारी पहचान जो है प्राय विश्वासी हो या अविश्वासी हो उनके पहचान को, खास करके उनकी जो चाहना है, जैसे चाहते हैं लोग मुझे इस तरीका से देखें, उसके अनुसार उसे वो लोग दर्शाते हैं या उसे बढ़ाते हैं। उस पर यदि एक सच्चाई नहीं है तो किसी भी मनुष्य के द्वारा उसे खोने का डर उत्पन्न हो सकता है। इसी को हमने पिछली बार देखे थे। अब हम जाएंगे हमारे सह विश्वासियों के जो सभासी या उनके सहमत को खोने का डर भी होता। ये प्राय सभी कलीसियाओं में बहुत से विश्वासियों के मध्य में हम देख सकते हैं। इस पर अच्छे अच्छे परिपक्वता में है करके जो जिनके बारे में विचार करते हैं वो भी इसके शिकार बनते हैं। उसकी एक जाने पहचाना उदाहरण है गलती का 2:11-13 गलती 2:11-13 कोई नेपाली भी पढ़ने वाला है इधर? नेपाली पढ़ सकते हैं कोई? पर जब पत्रस अंतकिया में आया तो मैंने उसके मुंह पर उसका सामना किया, क्योंकि वह दोषी ठहरा था, क्योंकि याकूब की ओर से कितने लोगों के आने से पहले उसने अन्य जातियों के साथ खाया था, परंतु जब वह आए तो खतना किए लोगों के डर से मारे उनसे अलग हो गया और किनारा करने लगा, और उसके साथ से यहूदियों ने भी कपट किया, यहाँ तक कि बरनबास भी उनके कपट करने में पड़ गया। इसे विभिन्न तरीका से हम देख सकते हैं, विभिन्न किस्म के संदेश भी इसके आधार पर लोग देते हुए हमने सुने भी होंगे, हमारे विचार भी होगा, किताबों में भी पढ़े होंगे। पर यहाँ पर लिखी हुई बातों पर थोड़ा सा अधिक ध्यान दें। दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बारे में कोई हुई घटना को यहाँ पर सार्वजनिक रूप में परमेश्वर के वचन में उल्लेख किया, और हम विश्वास करते हैं ये जो वचन है
हमारे हाथ में जो दिया गया है ये परमेश्वर की पवित्र आत्मा की प्रेरणा से उनके अपने लोगों की द्वारा लिखी गई। मतलब लिखने वाला इस प्रेरणा पाने के बाद में भी उस सच्चाई को छुपाया नहीं किसी डर से। दूसरा, जिसके बारे में लिखा है वो भी इस विषय में नकारात्मक तरीका से प्रतिक्रिया दिखाया है करके हम पढ़ते नहीं हैं। मगर विश्वासियों के बीच में संसार से भी अधिक संख्या में वकील लोग हैं। आपको पहचाना, आपको पता है कलीसिया के अंदर ही वकील की तरह तर्क करने वाले बहुत से विश्वासी हैं। संसार में तो वकील को तो क्वालिफाई करके आना पड़ता है, बहुत तजुर्बा पाना पड़ता है अच्छे वकील बनने के लिए। और यहाँ तो सभी बहुत से विश्वासी लोग वकील हैं, इसलिए वो बोलेगा लिखा नहीं है तो आपको कैसे पता है उसने कुछ उसका प्रतिक्रिया नहीं था करके, वो गुस्सा नहीं हुआ करके आपको कैसे पता है, वह होगा। पर यहाँ पर परमेश्वर ने बाद में कभी इसके बारे में लिखा नहीं है, हम तो कहेंगे हो सकता है। मगर बहुत समय में कुछ ऐसी बातें होता है उसको थोड़ा गहराई से देखने से कुछ बात हम अनुमान कर सकते हैं, क्योंकि जब तक परमेश्वर हमें सीधा बोलेगा नहीं। पत्रस ने नकारात्मक तरीका से प्रतिक्रिया नहीं दिखाया करके वो खुद नहीं बोलेंगे तब तक हम उनके बारे में नहीं बोलेंगे। मगर हम अनुमान कर सकते हैं वचन के आधार से। कैसे? जब पत्रस चिट्ठी लिखता है उस समय पर जिस तरीका से पौलुस के बारे में उसकी लिखी हुई विषयों के बारे में तारीफ करता है, दूसरे विश्वासियों को उसके विषय में सिफारिश करता है, रेकमेंड, और ये भी लिखता है कि उसकी बहुत सारे लिखे हुए बातों को समझना कठिन है। इससे हम समझ सकते हैं पत्रस अपने अंदर छुपी हुई कमजोरी पन को इस घटना के द्वारा जरूर समझा होगा। इसीलिए वो एक सच्चे, एक अनुभव पाए हुए विश्वासी के गुण के अनुसार परमेश्वर के इस कमजोरी को बाहर लेके आने का, इस घटना को समझकर उसने उसको स्वीकारा भी होगा। बहुत समय क्या होता है, संदेश जब हमें मिलता है परमेश्वर को वचन से ले आने वाले माध्यम के ऊपर हम बहुत गुस्सा हो जाते हैं, ये प्राय गलत है। तीसरा, इस पर एक तीसरा भाग है, वो है इस प्रकार के चाल चलन जो कमजोरीपन से पत्रस में था उसके प्रभाव क्या हुई, उस प्रभाव से क्या नतीजा निकल सकता था, इसे भी हम समझना। बहुत समय पर हम इन विषयों पर बहुत हल्का तरीका से हम अपनी नजरों को लगाते हैं, हमारे व्यवहार भी बहुत ही साधारण तरीके से, हल्का तरीका से हो जाता है, उसको गंभीर रीति से हम देख नहीं पाते हैं। आप कहेंगे हर बातों को गंभीर रीति से देखेंगे तो भैया कैसे हम संगति करेंगे एक दूसरे से। मगर हमें ये पहचान करने को आना चाहिए कि कौन सी विषय को हम गंभीर रीति से देखना चाहिए। इसलिए तो मैंने पिछले सप्ताह आपको बताया हमें दूर तक देखने का दर्शन की आत्मा चाहिए, परसीविंग स्पिरिट। कलीसिया, स्थानीय कलीसिया ऐसे नहीं बढ़ता है, उस पर जो परिश्रम करना चाहते हैं वो लोग इस प्रकार के लोग होना चाहिए, तब तो जो भी निर्णय लेते हैं उसके प्रभाव आने वाली पीढ़ी में भी सकारात्मक तरीका से होगा। अब समस्या क्या है, पत्रस वो जब इज़राइल से या यहूदिया से या यरूशलेम से यहूदी लोग ये अन्य जातियों के स्थानों पर हुए कलीसिया के बीच में जब आते हैं तो उसका चाल चलन परिवर्तन हो जाता, मतलब वो लोग जब नहीं हैं
इधर लिखा है, हम जानते हैं, वो अन्य जातियों के बीच में बिना कोई फर्क दिखाते हुए ऊंच नीच या तुम बड़ा मैं बड़ा करके, या आप अन्य जाति है मैं यहूदी हूँ, इस प्रकार की भी कोई किसी भावना को प्रकट नहीं करते हुए आनंद से उनके साथ में संगति करते आया। जब ये लोग आते हैं तब थोड़ा सा दूर उनके साथ में बैठ करके भोजन नहीं करेगा, संगति में थोड़ा सा अपने आप को अलग रखेगा, क्योंकि उसका मन में एक डर था, मैं यहूदी होकर के ऐसे करूंगा तो वहां मेरे बारे में क्या विचार करेंगे, ये लोग जाकर के वहां पर क्या बोलेंगे वापस जब ये लोग जाएंगे तो, क्योंकि वहां तो बहुत ही जाने माना पहचान हुआ व्यक्ति हैं, सारे यरूशलेम को हिला है ये व्यक्ति, और इतने हिम्मत से अपने आप को पेश करके आया, उसके लिए जेल खाने की दरवाजा भी खुल गई, गेट भी खुल गए, इतने जो एक प्रशंसा पाया हुआ व्यक्ति है, मन में डर तो लगेगा, ये है हमारे अंदर। बहुत समय ये बात होता, एक जगह में स्थानीय कलीसिया में एक अतिथि आने वाले थे दूसरे कोई जगह से, तब कुछ एल्डर लोगों ने संत जनों को बुला करके उनको बोले, देखिए ये जो ब्रदर आ रहे हैं उनको ये म्यूजिक वगैरह में उनको पसंद नहीं है, वो मीटिंग में नहीं चाहते हैं, इसलिए वो जब तक हमारे बीच में रहेंगे जब तक ये सब नहीं करें। ये हुआ घटना है, ये एक जगह में नहीं दो तीन जगह में, इसको मैं खुद देखा हूं। इस पर क्या होता है, क्यों ऐसे कहते हैं, इनके बारे में वो अतिथि जो आ रहा है उनके स्थान पर एक अलग किस्म का पहचान है। यदि ये व्यक्ति जाकर के कहे उधर, आप क्या कह रहे हैं, वहां क्या हो रहा है आपको पता है, ऐसे बोल दिया तो अगली बार लोग उसे कैसे देखेंगे। इस प्रकार के डर भी बहुतों के दिल में है। ये तो उदाहरण के लिए हुई घटना को मैंने बताया, ऐसे विभिन्न तरीका से है। मगर जब पत्रस इस बात को या गंभीर रीति से गहराई से समझा नहीं या भूल गया, समारी लोगों के बीच में भी एकता को यहूदियों के साथ में ले आने के लिए उसे प्रभु ने प्रयोग किया, अन्य जातियों के बीच में दरवाजा को खोलने का पहला घटना में पत्रस को ही परमेश्वर ने प्रयोग किया, और उस तो बाद में आया, क्या वो डर सकता है इसे? हो सकता है। मैं इस पर ज्यादा समय ले रहा हूं क्योंकि वर्तमान समय में भी बहुत सारे स्थानीय कलीसियाओं में इस प्रकार की समस्याएं विभिन्न रीति से पीड़ित है। इस कारण से आत्मिक परिपक्वता में विश्वासी लोग आगे बढ़ने में समस्या पा रहे हैं, कलीसिया बढ़ नहीं पा रहा। वहां पर जो अंग्रेजी में कहते हैं एक स्पॉन्टेनियस जॉय, वो नहीं आ रहा। इसके प्रभाव क्या हो गए, पौलुस देख रहा, क्या कर रहा है ये, समझता है क्या इसकी इस प्रकार के कार्य से क्या हो रहा है यहां पर। उसकी प्रभाव वहां पर हुए यहूदी विश्वासियों के अंदर भी हो गए, इसलिए वो भी थोड़ा सा दूर। अब सोचिए यहूदी विश्वासियों के मन में कैसे लगा होगा, अरे कल तक तो ठीक था ये हमारे साथ, अब क्यों ऐसे कर रहा, पत्रस भी ऐसे कर रहा, ये लोग भी हमारे साथ में होकर के बड़े हुए लोग हैं, ये लोग हमें अपने आपस में, हम लोग कितने खुशी से एक दूसरे के घर में जाकर के संगति करते थे, अभी अचानक क्यों ये ऐसे कर रहा। इतने था कि बरनबास जैसे व्यक्ति के अंदर भी इसका प्रभाव हुआ। आप इस बात को जोर से नोट कर, पवित्र आत्मा इसको गंभीरता को हमें समझाने के लिए इस घटना को यहाँ पर उल्लेख किया। नहीं तो पत्रस को नीचा करना या पौलुस को ऊंचा करने की बातें नहीं है यहाँ पर। कलीसिया में किस किस किस्म का किसने तरीका से समस्याएं आ सकता है, उसके द्वारा कलीसिया कमजोर हो सकता है, और उसके कारण हम खुद भी हो सकते हैं। इसे हमें समझने के लिए
इस बात को यहाँ पर उल्लेख किया। इसलिए हमें हर बातों पर सतर्क रहना अवश्य है। कुछ कलीसियाओं में आप देखे होंगे, बाहर जो जानते हैं ना, विभिन्न जगहों में, वहाँ पर कलीसियाओं में जब आप संगति के लिए जाते हैं तो सभा खत्म होने के बाद में आप पहली बार जा रहे हैं या कुछ है, आपसे हाथ मिलाना या बात करना, मान लें बहुत से लोग करेंगे, मगर वो सब फॉर्मेलिटी है। मगर आप बहुत से देखिए, यहाँ पर 6, यहाँ पर 10, यहाँ पर 3, ऐसे ग्रुप हो करके वो अपना समय बिताएंगे। ये हमारे अंदर एक ऐसी स्वभाव है विश्वासी होके, यह हकीकत है। एक समय एक विश्वासी बोलता था, मैं उससे पूछा, मैं तो नया आदमी है, उस समय का रघु अलग था, उसका जुबान को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, सीधा पूछ लेगा जा करके उस व्यक्ति को, बोला भाई साहब आप तो यहाँ पर अलग क्यों खड़े हैं, देखिए वो लोग पसंद नहीं करेंगे, आधा घंटा भी नहीं हुआ है, एक घंटा भी नहीं हुआ है रोटी तोड़ के साथ में इतवार के दिन पर। दूसरी एक जगह में विदेश, एक जगह में इतवार का संगति खत्म होने के बाद वचन के पहले थोड़ा सा, प्राय वेस्टर्न देश में सब ऐसे थोड़ा गैप होता, उस समय पर ये लोग जा करके थोड़ा चाय नाश्ता करते हैं, वहाँ पर रखा हुआ रहता है, उस समय पर मुझे भी बोला आप यहाँ पर क्यों खड़े हैं, वहाँ पर जाइए, अभी तो समय है। ठीक है, मैं गया, वो तो सब रखा हुआ है, सब होता है। उस समय पर एक व्यक्ति मुझे बोला आप इधर आइए, क्या है गए, नहीं नहीं हमने आपको बुलाया क्योंकि आप हमारे जैसे हैं। व्हाट इज दिस, हमारे जैसे क्या है, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, उसने जो नहीं, अभी देखिए ये भाई साहब जो है ब्राज़ील से आया है, मैं इटली का हूँ और ये फिलिपिनो है और आप इंडिया से आया है, इसलिए हम लोग अलग रहने से अच्छा उधर मत जाइए, हम बात करेंगे आपसे। मतलब क्या है कि इतनी बड़ी संगति में भी इस जगह का व्यक्ति अलग, दूसरी जगह का व्यक्ति अलग, ये सब मैं देखा तो हम तो सोचा ये भारत देश में कुछ जगह में ऐसा है करके, मैं देख रहा हूँ अभी बाहर भी ऐसे ही। मगर कुछ साल के पहले एक छोटा सा स्थानीय कलीसिया बन गया इतवार के दिन पर, वहाँ पर गया तो विभिन्न किस्म के लोग हैं, विभिन्न जो आप बोल सकते हैं ना जाति या रेस है, उधर स्थानीय लोग भी हैं। जब सभा खत्म हुआ तो इतनी आनंद से वो लोग एक दूसरे से, कोई ये नहीं है उस पर आप पहचान सकते हैं, ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है आपसे बात करना या हाथ मिलाना, मन की एक आनंद है, हमारे बीच में एक नए जगह से एक बाया है। वो लोग ये नहीं सोचा यहाँ हमारे मोहल्ला में क्या होगा, बाहर क्या होगा, ये बातों को हम समझ में रखना चाहिए। और तीसरा है फियर जनरेटेड ड्यू टू लैक ऑफ ट्रस्ट इन द प्रॉमिसेस एंड पर्पस ऑफ गॉड फॉर आवर लाइफ। जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिया हुआ प्रतिज्ञा और हमारे जीवन के लिए उन्होंने कोई उद्देश्य रखा है, उस पर इतना हम भरोसा नहीं करते, इस कारण से एक डर उत्पन्न हो जाता, इस कारण से भी हम जो है मनुष्यों से बाई मांगते। एक बार एक विश्वासी नया है, प्रभु ने बहुत अद्भुत तरीका से उसे बचाया, उसकी गवाही सुनने का बहुत अच्छा, मतलब मन में ऐसे लगेगा ये तो सचमुच परमेश्वर का चमत्कार है। वो व्यक्ति एक बार वो स्थानीय कलीसिया के संगति में होने के लिए इच्छुक हुआ और एल्डरों को बताया, और कुछ एल्डरों को पता नहीं है इसके बारे में पूरा, इसलिए उसको बुलाए, वो लोग छोटा सा मीटिंग रख के एल्डर लोग बैठे हैं और इसको भी बिठाया, बोलिए अपने बारे में, इसने सारा बोल दिया, पूरा अपना गवाही को समाप्त करने के बाद, ठीक है आपने जो भी बातें बोले हैं अच्छा है, आपने सब कुछ स्पष्ट हमें बताया, हम प्रार्थना करेंगे। मगर ये नया विश्वासी है, उसके मन में डर था, यदि मेरे इस जीवन के पुराने पन्ना को जो मैंने इतना खुला इनके सामने खुला कर दिया, इसके कारण से यदि ये लोग मुझे संगति में नहीं लेंगे तो
इसलिए उसने कहा एक छोटा सा रिक्वेस्ट विनती है। क्या है? देखिए मैंने ये सब चीज़ें बोला, मैंने ये सोचा कि आप लोगों से कोई छुपना नहीं चाहिए, छुपा के नहीं रखना है, इसलिए मैंने बता दिया। मगर इसके कारण से मुझे संगति में नहीं लेंगे मत बोलिए। मैं बहुत प्रार्थना करके इस जगह में परमेश्वर की अगुवाई से आया और इतने महीनों तक मैंने प्रतीक्षा किया, तभी एल्डर ने उसको मुस्कुराया, अब जाइए हम प्रार्थना करते हैं। मगर कुछ दिन तक, जब तक उसको बताया नहीं गया आप संगति में शामिल हो सकते हैं करके, उसको मन में बार बार यही डर था, क्या ये लोग मुझे नहीं लेंगे संगति में या छोड़ देंगे, क्योंकि उसका जीवन ऐसे था, इस प्रकार से भी होता। मगर उसने ये इस बात को नहीं समझा, उसने कैसे विश्वासी बना, क्यों उसने अपने जीवन के सारे बातों को दूसरों के सामने बता सकता था, क्योंकि उसके मन के अंदर परमेश्वर ने एक निश्चयता दिया है, मैं तेरे साथ हूं। और इतना ही नहीं, उसके जीवन के संबंधित बातों पर बहुत सारे प्रतिज्ञाएं उसको दिया है, क्योंकि उसको विश्वासी जीवन बिताना इतना आसान नहीं था। उसके परिवार में उसे बहिष्कार करेंगे, उसके गांव में, उसके या शहरों में उसके जो अपंदा जो रिलेटिव्स जो होते हैं उनके बीच में उन्हें बहिष्कार करेंगे, और उसके काम करने के स्थान पर इसे बहिष्कार करेंगे, दोस्तों ने तो पहले से ही बहिष्कार कर रहे हैं, इसके बीच में वो कैसे प्रभु में आगे बढ़ते गया। उसने वचन से पवित्र आत्मा के द्वारा बहुत कुछ प्रतिज्ञाएं पाया पढ़ते हुए, और इतना ही नहीं, उसके लिए ये खास उद्देश्य है करके वो जानता था, इसलिए तो उसने जाकर के बोला मैं संगति में होना चाहता हूँ, मेरी कोई भूमिका है स्थानीय कलीसिया में। उसने क्या कहा अंत में, मैं बहुत प्रार्थना करके परमेश्वर का अगुवाई से इस जगह पर मैं आया। कभी कभी उन बातों पर हमारे अंदर वो भरोसा छूट जाता है, ये नहीं है कि हमारे अंदर भरोसा नहीं है, हालात ऐसे होता है, इसलिए एक डर उत्पन्न हो जाता है। इसलिए यहाँ पर इस बातों को ज्ञान दिया गया है कि हमने जिस वक्त से पढ़ रहे थे 25 पद में, उसको दोबारा पढ़िए पढ़िए उसको ही तो आप खुला रखते हो 29-25। The fear of man bringeth a snare, but whoso putteth his trust in the Lord shall be safe. पढ़िए। मनुष्य का भय एक फंदा ले आता है, परंतु जो कोई यहोवा में भरोसा रखता है वह सुरक्षित रहेगा। हम बहुत समय इस बातों को भूल जाते हैं, या हम क्यों हमारे दिमाग के अंदर इतने गहराई में नहीं लेते। जिस प्रभु ने हमसे कहा मेरे पास जो आएगा उसे हर किस मैं त्यागूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि कुछ समय पर हम सोचते हैं हम प्रभु के हाथ को पकड़े हैं, ये गलत है। प्रभु ने हमारे हाथ को पकड़ा है, हमारे हाथ छूट सकता है मगर उनके हाथ छूटेगा नहीं, कभी भी छोड़ेगा नहीं। हमें वचन में हमने पढ़ते हैं ना, उस दलदल से मुझे खींच कर निकाला, कौन निकाला? मैं उनका हाथ को पकड़ करके ऊपर गया नहीं, उसने खींच कर मुझे निकाला, पकड़ने वाला वो है, उसने हमें पापों से अंधकारों से न्याय से पकड़ कर निकाल दिया बाहर। निकालिए भजन संगीत 91:14। क्योंकि उसने जो मुझसे प्रेम किया है इसलिए मैं उसको छोड़ूंगा छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। उसने मुझ पर प्रेम रखा है, अपने प्रेम को मुझ पर रखा है उसने, इस कारण से मैं उसे छुड़ाऊंगा और मैंने उसे ऐसे ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जानता। उनके नाम क्या है? हम तो सभी लोग जानते हैं ना, यीशु, प्रभु यीशु क्रिस्त। नहीं, उनके नाम को जानता है मतलब उस नाम हुए उस व्यक्ति ने मेरे जीवन में कैसे एक हिस्सा बना है, वो कौन है, वो क्यों मेरे जीवन में हिस्सा बना है, इसको अच्छी तरीके से वो जानता है। उसे ऊपर रखूंगा, इसका मतलब यह है कि बहुत सारे
भजन संगीत में भी इस बात को पढ़ सकते हैं। परमेश्वर ही एक स्ट्रांग को क्या बोलते हैं, बलवंत टावर। टावर का मतलब धरारा है ना। मतलब पुराने जमाने में ये करते थे कि ऐसे हर छोटे छोटे देशों में ऐसे एक टावर बना देते थे, जंग के समय पर उसके अंदर जा करके ऊपर चले जाते थे, नीचे से दरवाजा बंद, शत्रु आएगा तो भी उसे मारना आसान है क्योंकि ये ऊपर है वो नीचे है। मतलब परमेश्वर ने हमें ऐसे स्थान पर रखेगा, ये डर इस प्रकार की परेशानियां हमें छू नहीं सकता, ये जो शंका इसे हटाएगा वो, उस शंका के कारण से डर उत्पन्न हो जाता है। इसमें तो बहुत समय पर हम गड़बड़ कर देते हैं, प्रतीक्षा करने में भी भूल कर देते हैं, जल्दीबाजी करते हैं, अचानक बहुत साल तक प्रतीक्षा किया, अचानक लास्ट मोमेंट में गड़बड़ कर देते हैं। ये सब हमारे अंदर एक स्वभाव, इसलिए वो कह रहे हैं। दूसरी भी एक जगह है, वहां पर ऐसे कहते हैं कि वो अचानक जैसे एक उकाब ऊपर से अपने जो शिकार को देखता है, अचानक आएगा उसको लेके, ऐसे मैं उसको खींच कर निकाल दूंगा, उसको हानि होने नहीं दूंगा, हानि पहुंचेगा ही नहीं उसको। सबसे बड़ी उदाहरण है इसराइल मिस्र देश से आने वाला, पीछे कतरा आगे कतरा, फिर भी कैसे किया, कैसे उन्हें सुरक्षित रखा। ये है परमेश्वर के अद्भुत खबर ज्ञान। ये मेरा समय खत्म होने वाला, ये जो मैंने अभी बताया इन बातों के विषय में, एक बार मैंने नेपाल में फरकेटा में एक दिन ऐसे विचार कर रहा था, क्योंकि मैंने सोचा दूसरे दिन सुबह मीटिंग था उस पर प्रचार करेंगे करके, मत कुछ बातें कैसे समझाएंगे मुझे समझ में नहीं आया सोच रहा। मगर उस दिन शाम को दूसरे एक नज़दीक के गांव में जाना था मीटिंग में विश्वासी लोगों के साथ। पहाड़ में तो आप लोग तो जानते हैं कभी भी बारिश आ सकता, बारिश गिरने लगा और उसके बाद में हल्का सा हो गया, मगर फिर भी हम लोग पहुँच गए, मीटिंग खत्म हो गई, वापस आ रहे। बारिश मतलब बिल्कुल बूंद बूंद से गिर रहा था, छोटा सा रास्ता है, एक के पीछे एक चलना है, रात के समय है। वो जो नेपाल के लोग तो पहचानते हैं, उस एक रीव जैसा होता है लंबा लंबा, उसको सुखाते हैं, सफ़ेद रंग का होता है, उसको जलाते हैं, वही तो मशाल जैसा उसको ले करके जाते हैं, वही तो बत्ती है। ऐसे जाने के समय पर अचानक मेरे पीछे जो है ठंड लगने लगा, मैं ऐसे हुआ, बोला ब्रदर कुछ कुछ लग रहा है, कुछ लग रहा। और लास्ट में है श्रेष्ठ आगे है वो बीरखा, मैं उससे कह रहा था, वो बोला हाँ झुका है आपके पीछे, डर मत हो जाइए, हम घर जा रहे हैं, घर पहुंचने वाले हैं। तब झुका सुना तो उधर ही अभी क्या करेगा, अभी कैसे भी जल्दी जाए ना, अभी कहाँ जल्दी जाएगा, बारिश गिरा है, पत्थर फिसल रहा, आराम से जाने का। जाके पहुंचे उसके, मैं जिस कमरे में था वहां पर गए, चलिए अभी बहुत हो रहा है, दर्द भी हो रहा है। उसने क्या किया, नीचे से उसको लड़के को बोला, थोड़ा करणी लेके आओ, मतलब आश वो लेके आने वाला था। उसने बोला ब्रदर आप ऐसे कीजिए, अब थोड़ा खड़े हो जाइए। मैं खड़ा हुआ, थोड़ा इधर घुमाइए ना मैं देखूं। उसने अचानक क्या किया, यहाँ पकड़ करके ऐसे मेरे टी शर्ट को खींचा, वो फट गया। नंबर एक इधर दर्द हो रहा है वो फटने के कारण से इधर, और नंबर दो मेरा मनपसंद की टी शर्ट था वो, और नंबर तीन पहले से ही समस्या है। उसने इसे खींचने के बाद में, तब तक वो लड़का आ गया और ये करानी को लगाया तो सब नीचे गिर गया। फिर उसने दिखाया वो टी शर्ट को, क्योंकि मुझे थोड़ा गुस्सा भी आ गया, ब्रदर आपने ये क्या किया। वो टी शर्ट जो फटा हुआ टी शर्ट को दिखाया, अंदर जो है बहुत से ये था। उसने बोला मैं अचानक उसको खींचने से पूर्ण रीति से जो पी लिया, और पूर्ण रीति से आपको चमड़ी को पकड़ा नहीं है, वो सारा का सारा निकल गया, जो बच गया वो थोड़ा सा था विकारानी डालने से वो ही गया। तब मुझे याद आया इसने बिना कोई नोटिस, मतलब कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया मैं ऐसे करने वाला हूँ करके,
अचानक उसने खींचने से बच गया, पीछे चमड़ी तो बच गया, टी शर्ट तो गया गया, ठीक है। तब मैं समझा परमेश्वर हमें बचाने का तरीका इस प्रकार से देखते हैं, और कुछ पता है मगर ठीक समय पर हमें छुड़ाएगा। यहाँ पर रुकेंगे क्योंकि इसको अगले हफ्ते देखेंगे जज सेंस में। धन्यवाद।